सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने गए आईपीएस विनय तिवारी का क्वारंटाइन आखिरकार बीएमसी ने खत्म कर दिया है और वो वापस पटना लौट आए हैं। बीएमसी ने क्वारंटीन में रखे गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बिहार लौटने की अनुमति दे दी है। इसके बाद वो मुंबई से हैदराबाद होते हुए देर रात वो पटना लौटे। आईपीएस विनय तिवारी को रिसीव करने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। वापस लौटने पर विनय तिवारी से मीडिया ने क्वारंटाइन को लेकर कई सवाल पूछे। इस पर उन्होंने कहा कि मुंबई में बिहार के ऑफिसर को नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की जांच को क्वारंटाइन किया गया था। आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ वहां पाया आपने ऐसा कुछ? हमारी टीम 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया दो तारीख के बाद से फिर रफ्तार रुक गई। आज अचानक आपको कैसे क्वारंटीन किया गया? व्हाट वर यू सेड ऑल ऑफ अ सडन? आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो क्या अचानक बोला गया आपको? तो पहुंचने के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था जी। और जानकारी जो है मोबाइल पटना सर ने भी दी थी उनके पास, पता था कि हम आ रहे हैं। हमने जानकारी हम लोगों ने गाड़ी और सब के लिए भी बोला था। जानकारी देने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो कहा था किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और एयरपोर्ट पर मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने तो ये सर्वविदित था। ऐसा किसी था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ, बिहार पुलिस की एसआईटी को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस गया और रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला तब करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून का मैंने पालन करने लगा क्योंकि आपको नियम है उसका पालन। क्या लगता है ये अनप्रोफेशनल अप्रोच था महाराष्ट्र पुलिस का, जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया, बाकी चारों ऑफिसर्स को नहीं किया गया, बाकी लोग जो महाराष्ट्र जा रहे थे उन्हें नहीं किया गया? आपकी बात सही है कि बाकी चारों को मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं हिल हिला कर रहे हैं जी। क्या आपने सीनियर ऑफिसर को अप्रोच किया वहां पे? जब आपने मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इन्वेस्टिगेशन हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार था चूँकि एफआईआर यहाँ दर्ज हुई थी। सर सिर्फ से जैसे आप एसआईटी को लीड कर रहे थे, आज डीसीपी मलाड का जो आया है ट्रैक आया है, टाइम्स नाउ ने दिखाया कि किस तरीके से ही हैड स्पोकन टू रिहा, उनका फोन कॉल एक्सचेंज हुआ था। तो क्या लगता है कि इज द मुंबई पुलिस ट्राइंग टू सेव रिहा, रिहा को बचाने की कोशिश हो रही है? यही कारण था कि आपको क्वारंटीन किया गया, आपके ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया गया? नहीं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा और ये करना उचित भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी टीम जो है पिछले 10 दिन से अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सही दिशा में सही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे। बता दें कि एक्टर सुशांत आत्महत्या मामले की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम वापस लौट आई थी, लेकिन आईपीएस विनय तिवारी मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। ऐसे में बिहार पुलिस ने फिर एक बार बीएमसी को आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से मुक्त किए जाने के संबंध में पत्र भेजा था, जिसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने उन्हें मुक्त कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी पत्र भेजा गया था जिसे बीएमसी ने खारिज कर दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।